दर्शक बंधु लगातार एबे दुई चारि दिन हम भारत रे एक प्रकार रो राजनैतिक प्रसंग पलटिची फोन हैकिंग मामला मोटामोटी एथिरे एमिते एक विचित्र घटना सामना को आछी जेउथिरे सरकार को विरोधी दल टार्गेट करथुवा बळे सरकार मध्य एही घटना को अति गंभीरता सह ग्रहण करचंती। मामला कोन मामला हला भारत रे किछि विरोधी दल नेतांकु आपल कंपनी तरफ आपल फोन रे थिबा एक मेसेज को जेतेबेले सामना कोना जायथिला एथिरे जणा पडला कि आपल तरफ आईफोन व्यवहार करथुवा किछि विरोधी दल नेतांको फोन रे आसीथिला एक मेसेज। मेसेज रे थिला कि एही फोन रे स्टेट स्पोंसर अटैक्स हबार संभावना रहिछि एवं एही स्टेट स्पोंसर अटैक ए जो शब्द एही शब्दर प्रसंग मोटामोटी भावरे भिन्न भिन्न स्तर रे भिन्न भिन्न कथा आलोचना हेउछि। आलोचना हबा स्वाभाविक कारण किछि दिन तले पेगासस स्पाईवेयर को नै एक बड़ विवाद भारत रे देखिवा को मिलिथिला ए नै तदंत करिवा पई मध्य कोर्ट कहितिले। तबे एही मामला परे परे द्वितीय बार विरोधी दल नेतांकर फोन को हैक करा जिवार संभावना एवं एही संभावना रे जो शब्द व्यवहार करा जायति स्पेड स्टेट स्पोंसर अटैकर्स एही फोन को पई विपदपूर्ण होई पारंती। मोटामोटी जदि विरोधी दल नेतांक कथा कहबा ताहले कांग्रेस रो राहुल गांधी हुवंतु, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा, सुप्रिया सिनेत, शिवसेना सांसद सुप्रिया चतुर्वेदी, जदि आमे टीएमसी सांसद कहबा महुआ मोइत्रा, कम्युनिस्ट पार्टी रो नेता सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, आप रो राघव चड्ढा एवं शशि थरूर कांग्रेस नेता, एभली नेता एवं किछि पत्रकार को फोन को हटात आपल कंपनी तरफ रु एक मेसेज आसिला कि सावधान हो जांतु कि आपण को फोन को गोइंदा वृत्ति करिवा पई एक प्रकार रो उद्यम करा जिवार संभावना रही। एबे स्टेट स्पोंसर कोन स्टेट स्पोंसर बोली सीधा तळख जहा को कहा जाउ छी ताहा हेउची स्टेट अर्थ सरकार, स्पोंसर अर्थ प्रायोजक, अर्थात कोनोसी ना कोनोसी बाटरी सरकार एक निर्दिष्ट हैकर को दायित्व देचंती कि एही फोन मानंकर गतिविधि संपर्क रे तथ्य हासिल करिवे। एवं सबुठ बड कथा होला ए अभिजोग सीधा सळख विरोधी दल रो नेता माने लगेबा आरंभ करचंती। किंतु आपल कंपनी रो जदि आमे इतिहास को देखिबा 2021 मसिया रु एभली नोटिफिकेशन प्राय प्राय 150 टी देश रे जाइची विभिन्न लोकंको पाखकु एवं एबे मध्य 2023 मसिया रे विरोधी दल नेता माननकु किछि पत्रकार माननकु एभली नोटिफिकेशन आसीछि कि सावधान होइ जांतु आपनको फोन टेट स्पोंसर अटैक्स हेइ पारे, अर्थात आपनको फोन रो समस्त तथ्य को हैक करा जिवार संभावना रहि। द्वितीय रे आपल एहा भी कहिछि कि जरूरी नहो कि एभली तथ्य को हैक करा जाइछि किंतु एहा एक सतर्क सूचना। वर्तमान प्रश्न उठुछि आपल एहा उपरे कोनोसी स्पष्टीकरण देइछि कि एही फोन गुडी को प्रकृत रे निर्धारित भाबरे केउ सरकार गुइंदा वृत्ति पई किछि हैकर्स माननकु दायित्व देइछन्ति एभली कोनोसी स्पष्टीकरण आपल दे नाही। एवं खास करी ए विवाद एथि पई बढीछि कि एथिरे विरोधी पक्ष दलर नेता माननकु एभली सूचना निज फोन रे आसीछि। एवं सबुठ बड कथा हला ए जो घटनाक्रम सामना को आसीछि एहार जवाब मध्य सरकार रखिछन्ति एवं सरकार तरफ रु कहा जाइछि ए मामला को सरकार निश्चित मात्रा रे गंभीरता सह ग्रहण करिवे। तबे सबुठ बड कथा हला आपल एही नोटिफिकेशन पठाइबा परे विरोधी दल नेता मन तो सीधा सड़क सरकार को टार्गेट कले कि समानकर फोन रे थिबा तथ्य गुडी को सरकार जानिबा पई चेष्टा करचंती। किंतु अपर पटरे सरकार को कहबा कथा हला कि ए घटना को ए मामला को अति गंभीरता सह ग्रहण करा जिवो। विरोधी दल नेतांको आईफोन हैक उद्यम अभियोग प्रसंग रे आईटी बा सूचना प्रजुक्ति विद्या संसदीय स्टैंडिंग कमिटी आपल अधिकारी मानंकु मध्य समन करिवो एहा उपरे स्पष्टीकरण रखिबा पई। कमिटी सचिवालय रो जणे अधिकारी कहिछंती उक्त घटना रे कमिटी सचिवालय गंभीर चिंता प्रकट करिछि एवं मामला को अत्यंत गंभीरता सह ग्रहण करिछि। मंगलवार दिन जेमिति कि मु कहुतली अनेक विरोधी दल नेता सेमानक निकट को आपल रु एक अलर्ट मेसेज आसीथिबा दाबी करथिले एवं एहार स्क्रीनशॉट मध्य सोशल मीडिया रे शेयर करा जायथिला। सेमानक फोन हैक उद्यम होईची बोली सेमाने अभियोग मध्य करथिले। सरकार गुइंदागिरी करचंती करी दाबी करथिबा विरोधी दल नेता मानंकु सरकारकर जवाब मध्य सीधा सळख रहीची कारण ए मामला रे सरकार अति गंभीरतार सह ग्रहण करथिबा जेमिति कि कहिली आईटी मंत्रालय तरफ रु एक स्टैंडिंग कमिटी
सीधासळख आपल अधिकारी मानंकु एथिपई समन करिवे बा स्पष्टीकरण मागिबे। तबे सबुटु बड कथा हला विरोधी दल नेता मानंकर तीव्र आक्रमणकु आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव मध्य सीधासळख प्रत्याख्यान करिसेंती एवं एहार तदंत हबो बोली मध्य प्रतिश्रुति देइचेंती। किंतु ए मामलारे सबुठारु बड आउ एक प्रसंग एबे हटात जन्म नेइछि। एबे एथिरे विरोधी दल मानंकर जो सीधासळख सरकार को आक्रमण करा जायथिला एहाकु टार्गेट करी बीजेपी तरफ मध्य पलटा प्रतिक्रिया प्रकाश पाई जेउथिरे बीजेपी कहिछि कि भारत विरोधी अमेरिकीय व्यवसायी जॉर्ज सोरोस को पांठि प्राप्त एक्सेस नाउ एवं केवल विरोधी नेता को मिलिथिबा आपल विज्ञप्ति भितरे एक लिंक रहिछि। वर्तमान पिक्चर को जॉर्ज सोरोस मध्य आसीबा आरंभ होइछि एवं सबुठ बड कथा हला कि वर्तमान आपल ए जो नोटिफिकेशन बा अलर्ट मेसेज पठेची एथिरे किछि प्रावधान मध्य कहिची कि एभली उद्यम प्राय प्राय करा जाय कारण आईफोन एक हैक करा जाउ नथिबा भली दाबी करथुबा फोन जेउथिरे लॉकडाउन मोड मध्य रहिची एहाको जदि पकै दिया जाय ताले फोन रे अनेक गुडी जो सॉफ्टवेयर रहिची एगुडी को काम करबा बन्द कर जंती केवल जेमिति फोन रे साधारण भाबरे व्यवहार करा जाय एभली व्यवहार होई पारिबो। एहा छडा सॉफ्टवेयर गुडी को अपडेट करबा पई मध्य प्रावधान बा सतर्कवाणी करा जायची एवं सबु सत्वे भी निज फोन उपरे सतर्क दृष्टि रखबा पई मध्य एप्पल तरफ रु किछि सूचना जारी रहिची। किंतु प्रकृत रे एही फोन हैक उद्यम अभियोग पछरे थिबा अलर्ट मेसेज पई दाई किए एक निश्चित मात्रा रे सरकार एबे खोजिबे बोली जना पड़ी। परवर्ती अध्याय रे जना पड़िबो आपल ए जों अलर्ट मेसेज खास करी किछि पत्रकार एवं विरोधी दल नेता मानंकु पठाइछि एथिरे प्रकृत रे घटना कोन लुचि रहिछि। जदि आपनक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तु दोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान ओ परामर्श पई आमकु जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।